चाय पी लेंगे, आवाज आएगी पंखे की वजह से, मिल जाएगा तो पी लेंगे। तो गाइस इस टाइम बज रहे हैं 8:30 सुबह के, और आज है क्या क्या बताइए जल्दी से, डे याद नहीं है। तो अभी हम आए हैं चाय लेने के लिए किचन में, हटिए। सोनम काट रही है सब्जी, ये देखिए सब्जी क्या खाती सोनम, आलू बैगन, और पूनम लगी है किसमें, लहसुन छीलने में। चाय नहीं निकाली, काला काला कर दी हूँ। अच्छा बताओ भाई, जो जैसा रहेगा वैसे तो दिखेगा ना, देख भाई बेइज्जती कर रही ना। अच्छा तो मैं काली हूँ तो काली तो दिखूंगी ना भाई, बिना लाइट तुझको तो तुझको तो सिर्फ बोल ले रही, अपने आप को भी तो बोल रही ना क्या भाई, बिना लाइट में अगर रिकॉर्ड करेगी तो काले काले नहीं आएंगे। हाँ तो लाइट उदरती तो क्या करे, बताओ आप लोग, आपकी भी निकाल दो भाई, अरे उनके निकाल दे ठंडी हो जाएगी, वैसे भी ठंडी पीते हैं। चाय निकाले, निकाल क्या कर रहे हैं, पकड़ो हम चाय निकालना है। जीतू मेरे साफ सफाई अभियान चालू, सूट करे सबको, कभी कभी हीरो बन के आ जाए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं चाय पीने, ए यार आओ चाय पी लो, कितने बार बुलाई तू नहीं सुन रहे तो क्या करूँ, चाय रखती है, सुने ही सुने, फिर ठंडी हो जाएगी फिर कहोगे गरम करो, कहाँ हो, आ गए आ गए। कौन है, मन्नी, चलो अभी तू जलेगी। अच्छा आओ, तुम कहाँ कर रहे हो, अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, और खाना पीना खा चुके हैं, और भैया भाभी लगे हैं सबसे लास्ट में खा रहे हैं, मेहमान सबसे लास्ट में खाते हैं, भूख लगी थी इतनी देर से बोल रहे थे, नौटंकी कर रहे थे इसलिए। और अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं अपनी शादी का एल्बम देखने, मेरी देवरानी की शादी का एल्बम, दिखाओ आप मम्मी। गाइस अभी बस रहे हैं 4 बज चुके हैं, और अभी हम जा रहे संगम के लिए, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूछो मत, काफ़ी ज़्यादा धूप गर्मी, परेशान हो गए थे, तो इसीलिए भाई को जाना ही जाना, हम लोग तो बोल रहे नहीं चलना नहीं चलना, गर्मी भी है और प्लस निकलने का इस टाइम में आपको तो पता है मन नहीं है, लेकिन वो अब आए हैं इतनी दूर से तो जाना ही जाना है, तो बस अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर से। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये है बरामदा, तो किसी दिन आप लोगों को पूरा होम टूर करवाऊंगी, यानी कि पूरा अपना घर दिखाऊंगी अच्छे से, तो चलिए पहले फटाफट से रेडी हो जाते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली ये देखिए हम संगम पहुँच चुके हैं, और आपको देखकर लग रहा है कि जैसे संगम में स्टार्टिंग में मेला लगता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, जो कि हर साल ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल छा जाता था जब मेला ख़त्म हो जाता था। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है किला, किला के विषय में तो आप जानते ही हैं ना, काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बिल्कुल मेले की तरह यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं जो इस टाइम में नहीं लगती हैं। अभी हम लोग जस्ट पहुंच चुके हैं, रास्ता भूल गए हैं, और गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पा रही है ना, इनको तो पता वता है नहीं कुछ, चल देते हैं, बस घूमने का शौक लगता है, अलाउद्दीन प्रयागराज जी। तो वो निकाल तो रहे, वो देखो ना निकल जाएगी ना, सब भूल गए थे भाई, रीति चप्पल टूट गई, आपके मीडिया में दिखाया था टूट गई इनकी, या बताइए, चलो यार बैठने तो दे मुझे, उधर कर ले जस्ट, अभी हम पहुंच गए हैं, ये देखिए गंगा जी, आपको दिखाते हैं।
तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पर इसका व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, मैंने तो अपना दुपट्टा बांधा हुआ था, कवर किया हुआ था फेस को, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि लोग पिकनिक वगैरह मनाने आए हैं, लेकिन हाँ ये था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था, लोग दूर दूर पर थे, हम लोग भी थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो हमें साल भर रोज आते आए, जब मेला लगता है जब ही हम आते हैं, लेकिन भाई आया था इतनी इतनी दूर से भाई आया था, तो फिर जाना तो बनता ही था। भाई को यहाँ पर बहुत ही पसंद है प्रयागराज आए और गंगा। मुंह में क्यों हाथ डाली हो? सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं, और इस टाइम कहाँ मैं खड़ी हूँ, ये देखिए गंगा जी के अंदर, और सभी लोग नहाने लगे हैं। ये देखिए मुन्नी नहा रही, बाबू मुन्नी हाय करो, हाय करो, हाय 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 दोनों। इन लोगों की मस्ती चालू हो गई आते ही। यहाँ पर कावर वाले भी आए हैं जो नहा रहे हैं, बाबू भी है। बाबू हाय, बाबू हाय, हाय, कहाँ आई हो? गंगा जी में आई हो, क्या कर रही हो बाबू अपने? अच्छा तो बस, और धूप इतनी तेज है, इतनी तेज है धूप, क्या बताएं आपको, बहुत तेजी की धूप है। तो चलिए थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? आ गया, ये देखो छोटू मोटू भी आ गया, दिखाओ तो दिखाओ तो। हेलो छोटू मोटू भी आया है क्या? छोटू मोटू भी आया है क्या? हाँ नहाने आया क्या? डायपर डायपर पहन के नहाने आया है तो गैस क्या हुआ कि जब आप सबको देखी बाबू की सब नहा रहे हैं, तो उससे तो बर्दाश्त हुआ ही नहीं, उसने भी रट्टा लगा लिया, मम्मा नहाना है नहाना है। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है नहा लो, तो वो गई, सोनम साथी में थी, उसके बिल्कुल आगे ही आगे नहीं गई। अब देख लो रिकॉर्डिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी, लेकिन जब बाबू को देख रही थी तो वो गुस्सा आ रही थी। होता है जब बच्चे बच्चों को देखती है ना, तो फिर ये होता है कि मुझे प्यार नहीं करेंगे, उससे करेंगे, इसलिए वो गुस्सा आ रही थी, लेकिन फुल इन्जॉय किया उसने। सबसे ज़्यादा लग रहा था कि वही इन्जॉय कर रही थी, वही इतनी दूर से आई थी गंगा जी में, और वैसे तो वो पहली बार ही आई है, इससे पहले एक दो बार आई है, लेकिन छोटी थी और उतनी उसको समझ नहीं थी, लेकिन इस बार उसने फुल एंजॉय किया। आप देखो जब बाबू के पास उसको ले जा रहे हैं, तो वो देखो कैसे भाग रही है, दूर भाग रही है, ये देख लो आप कैसे भाग रही है, गुस्सा हो रही थी, नहीं नहीं मेरे पास मत लाओ। और भाभी भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, बाबू को भी वहाँ पर ले गई, सभी ने खूब सारा इन्जॉय किया, और मैं बस वीडियो बना रही थी। तो बस चलिए आप लोगों से थोड़ी देर से मिलते हैं, सब हम यहाँ से निकलते हैं, तो ठीक है? तो गाइस अब हम जा रहे हैं, ये देखिए थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है 3-4 दिन सब लोगों की शिफ्टिंग चल रही थी, फिर आ गए कोई स्पेशल। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब कोई आ जाता है तो मस्ती वस्ती होती रहती है ना। कौन आ गया था? बिन बुलाए मेहमान, बुलाए मेहमान किसको बोला? तुमको क्यों? बिन बुलाए मेहमान क्यों बोला? बिन बुलाए मेहमान बताए नहीं, ले लो पर्स, ये ले लो, हम ना लेंगे पर्स, ले लो ना पूरा, नहीं ले लीजिए ना, नहीं ले लीजिए ना, क्यों? चलो आप सिंदूर ले लो, मैं बिंदी ले लूँ, क्या सिंदूर ले लो? हाँ तो सिंदूर ले लो आप। तो चलिए गाइस भाभी को लेना है सिंदूर। अभी हम लोग ने एक चैलेंजिंग वीडियो किया है, वो है क्या, चौमिन चैलेंज, और जिसमें हमने किया है भाई ने भाभी ने तीनों लोगों ने मिल के किया है, और देखते हैं कौन जीता, कौन सी वीडियो पहले जाती कौन सी बाद में जाती है, वो तो वक्त ही बताएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, और देखिएगा ज़रूर, इंजॉय कीजिएगा ज़रूर। अभी करके जस्ट उठे हुए हैं उन्नी, ये भाभी की लड़की क्यूट है ना, देखो नहीं करना, सोच रहा था,
दिखा दिया सच के दिखा दिया बुआ से आता पापा से नहीं आता ना पापा से हंसा था ना पापा ने हंसाया था ना अच्छा वो तो उसमें पापा ने हंसाया था वो तो उसमें ब्रो पापा ने हंसाया देखा 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 पापा ने हंसाया था पापा हंसाए पापा हंसाए पहले ही पापा ने हंसाया था पहले किसने हंसाया था बताओ किसने हंसाया था बताओ बताओ किसने हंसाया वो हंसाओ पापा क्या अब हंसा के दिखा ए टाट ए बाबू बाबू तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से ठीक है गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और मैंने कहा चलो आप लोगों को गुड नाइट बोल देती हूँ क्योंकि ब्लॉग का एंड आज मैं यहीं पे करूंगी इससे आगे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप सभी को पता है जब कोई घर में आता है तो किस तरीके से मैनेज कोई करता है व्लॉगिंग करता है तो बस व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ अगर आप लोगों को व्लॉगिंग मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस कि मेरी वीडियो तो जा चुकी है चौमिन वाली और ये जाएगी बाद में और उस टाइम हमें पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई आपके जीजू ने कितनी ज़्यादा चीटिंग की आप लोग हो सकता नोटिस ना करें इसलिए मैंने क्या किया एरो बना दिया और सबकी चीटिंग मैंने लिख दी है जहाँ जहाँ जिसने चीटिंग की है और इनकी चीटिंग तो महान तरीके से हुई है एक दो बार मैंने चीटिंग देख ली थी और बाकी चीटिंग मैं नहीं देख पाई बाकी चीटिंग जानते हैं जब मैं एडिट कर रही थी जब मैं देखी और एक दो चीटिंग मेरी बहन दिखाई उसके फ़ोन में रिकॉर्ड था फिर मैंने इसमें चेक किया हाँ मेरे कंधे पे हाथ रखे और कंधे पे हाथ रखने के बाद ऐसे बगल से चम्मच निकाले छुपे रुस्ता में वाह यार सच में इनकी ये हरकतें तो मुझे पता ही नहीं था मुझे लगा मेरे कंधे पे हाथ रख रहे हैं और इन्होंने तो ये है इनकी सच्चाई देख लो आप लोग आपके जीजू कैसे हैं बाबू पानी गिर जाएगा इसे आप लोग अपने जीजू की बहुत तारीफ करते हैं ना ये हैं आपके जीजू छुपे उस समय कितनी सफाई से इन्होंने अपना काम किया अपना काम तमाम किया है आप लोग भी देख लो इनकी सच्चाई अच्छे से यार मजाक कर रहे हैं तो यार ये सारी चीजें तो होती रहती हैं तो इंजॉय तो इंसान करता ही करता है तो बस अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चौमिन चैलेंजिंग वीडियो जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा अच्छी है तो बस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ बाय बाय।